हाय, कितने दिनों बाद भाग गए किसके साथ? चलो गाइस स्टार्ट। हाय मैम, व्हाट इट इज अबाउट द क्रिटिक्स अवार्ड? आपने सब बोला कि विश्वसनीय अवार्ड है, आपने सीख गए तो आप इसे मिले? नहीं नहीं, मुझे विश्वसनीय अवार्ड पहले से पता था पर मैं मानती हूँ, थोड़ा माइक थोड़ा नीचे ले। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब देश भर के क्रिटिक्स एकजुट होते हैं और ये अवार्ड्स इंस्टीट्यूट करते हैं तो इसका कोई तो मतलब होगा, कोई एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश होगा कि जैसे मैंने कहा विश्वसनीय अवार्ड्स होंगे जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। अच्छा कि you know, कोई और कंसिडरेशंस नहीं होंगे, सिर्फ अच्छा काम, सिर्फ अच्छे काम को यहाँ अप्रिशिएट किया जाएगा। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। मैंने बहुत बटोरे हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं मानती हूँ कि यू नो इट्स वंडरफुल एज एन इंडस्ट्री टू गेट टुगेदर, एक दूसरे के लिए ताली बजाना बहुत ज़रूरी है। कभी हम अवार्ड देते हैं, कोई और दूसरा अवार्ड ले जाता है, पर इनको इतना भी सीरियसली ना हो कि दिल में you know, क्लेश हो जाए या आपको दुख हो या कुछ। पर जिस साल आप जीतते हैं बहुत अच्छा लगता है, जब कोई और भी जीते तो ताली बजा के निकल जाइए, क्या है उसमें? कौन से फिल्म के लिए आपको दिल में क्लेश हुआ था कि यार मुझे मिला नहीं? आई रिमेम्बर भूल भुलैया के वक्त मुझे नॉमिनेट नहीं किया गया था और मैं बहुत दुखी हुई थी क्योंकि सब मुझसे कह रहे थे कि अरे परफॉर्मेंस बड़ा ज़बरदस्त है और फिर नॉमिनेट ही नहीं किया था। तो आई रिमेम्बर मुझे थोड़ा सा झटका लगा था, पर मैं पार्ट ऑफ लाइफ। कमर्शियल अवार्ड होते हैं, बात करें तो नेशनल अवार्ड्स को काफ़ी क्रेडिबल माना जाता है और आपने भी जीता है। तो कंगना ने अभी रिसेंटली बयान दिया था कि अगर उनको मणिकर्णिका के लिए अवार्ड नहीं मिलेगा तो शी क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स। व्हाट डू हैव टू से अबाउट दैट? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीवन एल्सस कमेंट। हर बार आप मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है आपको, आपकी फिल्म रिलीज हुई थी, इससे उच्च संभावना है आपको क्योंकि देश की एक सबसे बड़ी रानी वीरांगना के ऊपर फिल्म बनी थी, लोगों को मोटिवेट किया इस फिल्म ने, काफ़ी अच्छा प्रभावशाली बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर रहा। लगता है आपको इससे संभावना की एक और आपके इजाफा होगा? देखिए क्या होता है ना कि कई बार एक इंसान अपने आप एक चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कोई फिल्म हो, चाहे वो कोई भी कला का कोई भी नमूना हो, कोई भी मॉडल हो, उसको देख के वो अपने आप में इतना इतना बेहतरीन होता है। चाहे मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इट माइट नॉट साउंड वेरी ऑब्जेक्टिव बट आई थिंक आई एम बीइंग वेरी ऑब्जेक्टिव कि अगर आप उसका सम्मान ना करें तो वो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन का अपमान होगा। तो अगर मेरे अवार्ड को या मुझे इस फिल्म को मणिकर्णिका को लेकर अगर राष्ट्र पुरस्कार ना मिले तो आई थिंक इट विल बी राष्ट्र पुरस्कार की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी क्योंकि आप इस तरह का काम करते हैं। तो सो इट शुड एंड द वर्क शुड बी लाइक दैट, बट अगेन लाइक आई सेड अगर कोई और इससे भी बेहतरीन काम आता है देन आई विल बी ऑब्जेक्टिव इनफ टू से कि नो दिस इज बेटर देन मी। लेकिन आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, पिछले साल आई थिंक टब्बू जी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की अंधाधुन में। आई एम फ्लोर्ड बाई वॉट शी इज़ डन। सो ऐसा ही है, पर अब के साल में आई मीन इट विल बी रेवलेशन अगर मणिकर्णिका से अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट, पर मेरे मुझे तो नहीं लगता। मेनली तमिल एंड देन इट विल बी रिलीज इन हिंदी एज वेल बट मोस्टली इन तमिल। यस I will, unless I fail miserably and they will have to dub. But I will definitely learn. So any dialogues? Well, for now I go to my ashram. My guru lives in Coimbatore and वहाँ पे तो मुझे सब अक्का कहते हैं. So that is one thing I've learned so far. We'll take the last question. Second last? Yes. बहुत प्यारे लग रहे, बहुत प्यारे. Thank you. आपके आंखों में चमक आती है ना, that brightens of the day and the universe, you know. Thank you. मेरे बर्थडे पे आपने मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। Thank you. सवाल ही पूछा क्या?
मैं आपको क्या बोल रहा था कि कंगना हाँ आप कुछ दिनों से कहीं गई भी थी आप, मतलब अपने आप को पूरा अलग कर लिया था, आप लोगों से दूर चली गई थी 10 दिन, कहाँ मतलब पूरी दुनिया फिल्म इंडस्ट्री में हाथ हो, विड्रॉल सिम्टम हो रहे थे लोगों के, कोई आया नहीं अभी तक ट्विटर व्टर पर कहीं से। Well, I'm glad to know that I was missed. I'm very happy that I was missed and my presence was missed. सबसे ज़्यादा I think जो मेरे साइलेंस पे जाने से मुझे लगता है आप ही लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया था. But yes, मुझे लगता है सब लोगों को अपने लिए ये वक्त निकालना चाहिए. एंड हम लोगों का जो कल्चर था, हम लोगों का ट्रेडिशन में स्पिरिचुअलिटी वॉज समथिंग दैट पीपल एक्टिवली परसूड. आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं है, उनको लगता है यू नो दे हैव लाइफ कोचेस, दे हैव थेरेपीज, वो लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, इतना कुछ गोलियां खाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बट दे डू नॉट नो हाउ टू वर्क ऑन देयर इनर वेल बीइंग. तो आई वुड लाइक टू इनकरेज पीपल, तभी मैं ये अब बता के जाती हूँ, पहले मैं बताती नहीं थी, लेकिन अब मुझे जब लोग इतना पूछते हैं कि हाउ डू यू फाइंड योर सेल्फ एंड आप इतना इवॉल्व होते हो, so then I think that I should be open about it. इसीलिए मैं बता के जाती हूँ. कोयम्बटूर, but there are a lot of ashrams like that. There are a lot of people who are pursuing, you know, well-being, yoga, some sort of programs where you connect with your inner self and you work on yourself and enhance yourself. जो भी आप हैं उसको enhance करिए, चाहे आपका stamina हो, चाहे आपका concentration हो, focus हो, your intellect, everything. You should enhance yourself. That's why these techniques. आपकी फिल्म रिलीज हुई थी, इससे उच्च संभावना है आपको, क्योंकि देश की एक सबसे बड़ी रानी वीरांगना के ऊपर फिल्म बनी थी, लोगों को मोटिवेट किया इस फिल्म ने, काफ़ी अच्छा प्रभावशाली बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर रहा, लगता है आपको इससे संभावना की एक और आपके इजाफा होगा? देखिए क्या होता है ना कि कई बार एक इंसान अपने आप एक, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कोई फिल्म हो, चाहे वो कोई भी कला का कोई भी नमूना हो, कोई भी मॉडल हो, उसको देख के वो अपने आप में इतना इतना बेहतरीन होता है, चाहे मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इट माइट नॉट साउंड वेरी ऑब्जेक्टिव, बट आई थिंक आई एम बीइंग वेरी ऑब्जेक्टिव, कि अगर आप उसका सम्मान ना करें तो वो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन का अपमान होगा. तो अगर मेरे अवार्ड को या मुझे इस फिल्म को मणिकर्णिका को लेकर अगर राष्ट्र पुरस्कार ना मिले तो आई थिंक इट विल बी राष्ट्र पुरस्कार की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी, क्योंकि आप इस तरह का काम करते हैं. तो सो इट शुड एंड द वर्क शुड बी लाइक दैट. बट अगेन लाइक आई सेड, अगर कोई और इससे भी बेहतरीन काम आता है देन आई विल बी ऑब्जेक्टिव इनफ टू से कि नो दिस इज बेटर देन मी. लेकिन आपको लगता है ऐसा हो सकता है? पिछले साल तो कुछ भी आया नहीं मेरे ख्याल, और आप तो जो करती हैं माशाल्लाह. नहीं, पिछले साल आई थिंक टब्बू जी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अंधाधुन में. आई एम फ्लोर्ड बाय व्हाट शी इज डन. सो ऐसा ही है, पर अब के साल में आई मीन इट विल बी रेवलेशन अगर मणिकर्णिका से अच्छा परफॉर्मेंस होगा. आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट. पर मेरे मुझे तो नहीं लगता के हो सकता है. नहीं नहीं, एक लास्ट कंगना, आप मिल नहीं पाओगे शायद, एक महीने तक आप बिजी हो जाओगी. इलेक्शन आ रहे हैं, लोगों को वोट, अरे उससे नहीं, 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 इलेक्शन के लिए नहीं, मैं तो सिर्फ वोटिंग के लिए कह रहा हूँ, लोग आके वोट करें, आपकी आवाज कितनी मतलब प्रभावशाली है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ. बाकी सब वो सब नहीं पूछा कि आप ज्वाइन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. नहीं, आई थिंक वोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं और हमेशा क्रिप करते रहते हैं, लेकिन कभी अपनी डिमांड्स नहीं बताते हैं. जो पॉलिटिशियंस हैं वो कोई थिंकर या ऑथर्स या आर्टिस्ट या वो नहीं है, दे आर द डूअर्स, बट वी नीड टू टेल देम व्हाट वी वांट. सो वी शुड हैव अ वॉइस ओपिनियन एंड वी शुड डेफिनेटली एक्टिवली वोट एंड गिव अ डायरेक्शन टू दिस कंट्री, बिकॉज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन आवर शोल्डर्स. थैंक यू गाइस. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. Chandresh, sir. Thank you. 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 Thank you
करना जी यहाँ पे किसके साथ चलो गाइस स्टार्ट मैम व्हाट इट इज अबाउट द क्रिटिक्स अवार्ड आपने सब बोला कि विश्वसनीय अवार्ड है आपने सीख गए तो आप इतना नहीं नहीं मुझे विश्वसनीय अवार्ड पहले से पता था पर मैं मानती हूँ थोड़ा माइक थोड़ा नीचे ले हाँ मैं मानती हूँ कि जब देश भर के क्रिटिक्स एकजुट होते हैं और ये अवार्ड्स इंस्टीट्यूट करते हैं तो इसका कोई तो मतलब होगा कोई एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश होगा कि जैसे मैंने कहा विश्वसनीय अवार्ड्स होंगे जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं अच्छा कि you know, कोई और कंसिडरेशंस नहीं होंगे सिर्फ अच्छा काम सिर्फ अच्छे काम को यहाँ अप्रिशिएट किया जाएगा सो आई थिंक इट्स ग्रेट मैंने बहुत बटोरे हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ मैं मानती हूँ कि यू नो इट्स वंडरफुल एज एन इंडस्ट्री टू गेट टुगेदर एक दूसरे के लिए ताली बजाना बहुत ज़रूरी है कभी हम अवार्ड देते हैं कोई और दूसरा अवार्ड ले जाता है पर इनको इतना भी सीरियसली ना हो कि दिल में यू नो क्लेश हो जाए या आपको दुख हो या कुछ पर जिस साल आप जीतते हैं बहुत अच्छा लगता है जब कोई और भी जीते तो ताली बजा के निकल जाइए क्या है उसमें कौन से फिल्म के लिए आपको दिल में क्लेश हुआ था कि यार मुझे मिला नहीं आई रिमेम्बर भूल भुलैया के वक्त मुझे नॉमिनेट नहीं किया गया था और मैं बहुत दुखी हुई थी क्योंकि सब मुझसे कह रहे थे कि अरे परफॉर्मेंस बड़ा ज़बरदस्त है और फिर नॉमिनेट ही नहीं किया था तो आई रिमेम्बर मुझे थोड़ा सा झटका लगा था पर मैं पार्ट ऑफ लाइफ कमर्शियल अवार्ड होते हैं बात करें तो नेशनल अवार्ड्स को काफ़ी क्रेडिबल माना जाता है और आपने भी जीता है तो कंगना ने अभी रिसेंटली बयान दिया था कि अगर उनको मणिकर्णिका के लिए अवार्ड नहीं मिलेगा तो शी क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीवन एल्सस कमेंट